लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत पडुआ मजरा महादेवा टंडा का है। मामला यह घटना करीब 7:30 की सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि नेघासन कोतवाली के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी पडुआ खीरी के 4 सिपाही शादी ड्रेस में आए और वहां खेत में धान काट रहे मजदूरों से पूछा, यहां शराब कहां बनती है? मजदूर बोले, साहब हम नहीं जानते। तो सिपाहियों ने औरतों को भला बुरा कहा। पडुआ चौकी के सिपाही सदी ड्रेस में क्षेत्र में जाते हैं और ग्रामीण गरीब किसानों को डरा धमका कर अवैध वसूली करते हैं। योगी राज में भ्रष्ट पुलिस वालों की कहां से भर्ती की जाती है? हमेशा गरीब मजदूरों को सताया जाता है, यह कहां का न्याय है? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मतलब पुलिस वाले किस क्षेत्र से आए थे? पडुआ चौकी से आए थे जी, तो सादे बांध में आए थे और हम लोग धान काट रहे थे। हमारा भतीजा था वहाँ पे, तो हम थे आए थे। उसे को इससे पूछ रहे कि शराब कहाँ बन रही है, तो हम कहे कि हम क्या जाने। तो उसे धमकोनी दिया कि बताइए बताइए ना, तुम्हें मारेंगे इतना या अच्छी और चालान तुम्हारा कर देंगे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग दौड़े तो वहाँ पे ये लड़के को मारने लगे और जब हम लोग कहते तो हमें लोग को धमकोनी दे रहे कि वो तो कह रहे थे कि हम वहाँ तो ज्यादा करोगे तुम्हारा भी अंदर कर देंगे हम वहाँ ले जाके। तो हमने कहा कि क्यों कर दोगे, जब हम यहाँ बनाते नहाते नहीं तो हमें क्यों कर दोगे, क्या जाने? अब हम क्या जाने? जी जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आप ना जो है दुख दर्द बयां करिए, बताइए। मानने लगे तो हम लोग तो कह रहे हैं कि तुम लोग ना बीच में पर ना बहुत मारे जाए, लेडीज को बुलाएंगे अभी जी, जबरदस्ती करने लगे थे। अभी मोबाइल छीन लिया, लड़के को भी मारा था। और हम लोग धान काट रहे थे मजूरी पे, हम लोग भाग गए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।